राजस्थान में होने वाले अवैध खनन मामले पर सियासत फिर मुखर होने लगी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संसद में मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान में भी तो ईडी की कार्रवाई हो। अपने संबोधन में बेनीवाल ने कहा कि इसी अवैध खनन के चलते एक साधु को अपनी जान देनी पड़ी। वहीं अवैध खनन मामले पर कुछ नेताओं के लाभ कमाने का मामला भी बेनीवाल ने संसद में उठाया। राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ों को बचाने के लिए अभी हमारे खनन अवैध खनन को रुकवाने के संत विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ा। उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ के जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान सोते रहे। सीबीआई जांच की मांग उठी और उस क्षेत्र में जो सरकार ने उसको संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया लेकिन कई मंत्रियों के क्रेशर हैं, कई विधायकों के क्रेशर हैं। सीबीआई जांच की मांग उठी और ईडी वहाँ कार्रवाई कर सकती है। यह मैं मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबा विजयदास जी ने जो आत्मदाह की वो बलिदान दिया वहाँ ईडी की कार्रवाई आप जगह जगह ईडी की कार्रवाई करा रहे हैं तो वहाँ भी करवा दें आप ईडी की कार्रवाई। तो कम से कम राजस्थान में भी ईडी की कार्रवाई कम हुई साहब। कि हम चाहते हैं कि जो खनन माफिया जो मंत्री विधायक उस क्षेत्र से जिन्होंने धन अर्जित किया और एक मिनट साहब बात तो समाप्त करना। राजा जी बात माइंड अप प्लीज़।